हमारा भतीजा प्यारा भतीजा ध्रुवी ध्रुवी ध्रुवी। चलो संजय मैं आप कहता हूँ, मैंने कहा था चलो कहाँ पढ़ो चक्कर में लेट वाला। एक बार फिर से पहले जिंदगी इनके हमको इरिटेट करते करते बीत गया। भैया इरिटेट होंगे फोटो खींचाते हुए। अगर भैया ने फोटो भी अच्छी खींची तो मैं अपनी छातियां इन्हीं को बुलाऊंगा इन्हीं को। हाँ मान लो कैमरा लो भैया कहना, कल से भाभी का ही कहना मानना है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो शादी के खूबसूरत से फोटो होते हैं एल्बम वगैरह में वो कैसे खींचे जाते हैं, उनके बिहाइंड द सीन्स। आपका भी नंबर आएगा, हमारा नंबर तो बाद में आएगा, लेकिन पहले आप सीख लीजिए। मैं दर्शक लोगों से निवेदन है आपको ये क्या पता है वीडियो आपके काम आ जाए एक्सपीरियंस में। ग्राम प्रधान पद है तो कर्मठ जुझारू एवं योग्य उम्मीदवार, एकमात्र कर्मठ जुझारू एवं योग्य उम्मीदवार संजय भट्ट। हमारा नेता कैसा हो संजू भैया जैसा हो। तो ये देखिए हमारी वैष्णवी सिस्टर हमारे हाथों में लगा रही है मेहंदी। यो हाँ ये भूमि भूमि इधर दिखाओ। ये दिन भर आज गायब थी इस मेहंदी के चक्कर में। अच्छा लग रहा है इतना ही सहन दो। वैसे ये मैं आपको कैसा लगा करके मैं आपको बात दिखाऊंगा। देखिए MB मेरे नाम का MB भी लिख दिया है यहाँ पर वैष्णवी ने। अबे लई कैसी ये आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में जब MB की फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन MB की फुल फॉर्म ये बॉय MB महेश भट्ट नहीं मंजुला भट्ट मनीषा भट्ट। मैं मनीषा हूँ क्या? अरे यहाँ पर ये मोदक बनने हैं क्या? क्या ये आंटी क्या बन रहे हैं? ये बन रही है संधि संधि। अच्छा संधि संधि के खाने के लड्डू। जिस तरह वो पहाड़ी शादी में रीति रिवाज में संधि संधि का आदान प्रदान होता है तो उसके साथ साथ उनके खाने पीने के लिए ये भी बनाया जाता है। परंपरा है सबसे बड़ी तो परंपराओं का निर्वाह करते हुए हमारे आंटी जी अभी भी हमारी परंपरा चालू है। लटे उले जी सुले जा जा रे बालिमा मेरे हाथों मेहंदी लगी। हाँ देखिए मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। गाओ 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 3 अगस्त का गाना चला रखा है शादी के दिन। वाह वाह आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? महिला संगीत हो चुका है ना खत्म। हाँ तो हम कुछ कल तक कल शादी का दिन कल है अभी थोड़ी देर में आएंगे वाले। हम शादी का ये मेहंदी को लेके इतना एक्साइटेड है भैया। अभी मेरे से तो एक्साइटेड ये लड़की ये है ये इसने कह रखा है कि दूसरे हाथ में लगाऊंगे। लगाओगे ना पक्का? नहीं चलो एक हाथ में बहुत है वैसे इतना बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। ये तो पूरे अंगुलियां भी लगाने के चक्कर में थी तो मैंने कहा चलो अपने हाथ में दिखाओ। अपने हाथ में खुद लगाई है ना तुमने? हाँ ये देखिए कलाकार लोग हैं यार हमारी फैमिली में भी। आप दिखाओ हाथ इतनी लगाया आंटी जी। इसके लिए आपने क्या किया? सबसे पहले एक गुड़ का पानी बनाया। अच्छा पानी गर्म होता तिल भी गर्म होती है उसको गर्म गर्म करा उसकी चाशनी बोलते हैं इसको करने के लिए। इसको गर्म ही चाहिए तिल भी गर्म चाहिए गुड़ भी गर्म चाहिए इसको मिला ये दोनों मिक्स कर दिए मिक्स हो जाए। ये ये लड़की के मायके में मायके में भेजा जाता है। और वहाँ से यहाँ जाके जितने भी उनके रिश्तेदार भाई बहन होते हैं वो सबको ये दिया जाता है कि लड़की के ससुराल से आए। ये सबसे बड़ी परंपरा है। मजाक के तौर पर भी इसको भेजा जाता है संदा संदे। हाँ उसमें वो खूब सारे मूछे मूछे बना के तो गुड्डे गुड़िया टाइप के दो संदे संदे बना के बड़े प्यारे प्यारे हंसी मजाक का ये एक रिश्ता होता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है रिश्ते में कितना प्यार है कितना मान सम्मान हमको दिया जाता है समदिनी के लिए हंसी मजाक वाला जो रिश्ता होता है मतलब रिश्ता हंसी मजाक करते हुए प्यार से निकल जाए। ये आ गया समझी समझन समझी का चश्मा मतलब हमारे ससुर जी हुए सासू माँ के लिए हमारी वो कंघी भी आई है तेल वगैरह पता नहीं क्या क्या है पूरी मेकअप किट भी आई है। हाँ देखो भैया
आपके सास ससुर वो देखो सास ससुर मेरे सास ससुर हो गए क्यों आपके क्या हुए दुश्मन हुए भी जो कर होने वाला है अंकल आंटी हुए मेरे तो हुए तो सास ससुर ही रिश्ता सास ससुर का ही होता है हाँ थैंक यू ससुर जी का हमारे ससुर जी का तो है और ये है हमारी सासू माँ की रंगेली पिछोड़ी कपड़े भी हैं उनके भैया ये सासू माँ है इनके क्यों नाने बड़े के जूंग हमी ये आपकी संगन की नसमांडी का हमी देखा ये है नसमांडी का और ये मेकअप का सामान इसमें चूड़ियां हैं चूड़ी है कंगी है ये काजल की डिब्बिया है सिंदूर की डिब्बिया है एक शीशा भी है एक शीशा भी है ससुर जी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो देखिएगा कि आपके चश्मे का पहले क्या क्या हुआ है कितने लोगों ने ट्राई कर लिया है मामी एक बार ससुर जी चश्मे पहले देख लिए ससुर जी ये आपकी समधी का चश्मा है मामी का भाभी अगर आप होने वाली भाभी अगर आप ये ब्लॉग देख रही है तो ये आपकी जेठानी इन्हें देखिए चश्मे पहन रखा है और वो डांस किया है इस गाने में हाँ ये कर रही हूँ ये भाभी आपकी बुआ सास है बुआ से करो बुआ से करो ऐसे ऐसे ये ऐसे इस हाथ से भी करो मम्मी के नंबर मम्मी आप पहनो अरे ध्रुवी को पहनाओ यार ये भाभी आपकी चाची सास है ये दिखा दो अरे दोनों समधन एक साथ फोटो खींचा लो दोनों आओ दोनों समधन की फोटो खींच लेते हैं एक बार दोनों एक बार देखो दोनों समधन की फोटो खींचो एक बार भाभी हल्की नहीं है इतनी जैसे समधन वाली हल्की हाय बेटा भाभी नहीं इतनी हल्की बात अब बेटू बेटू अब मेरा बेटू अरे अरे ये समधी बन गए ये समधन महाराज ये समधन भी छोटी बनाएंगे और पतली बनाएंगे समधन बेचारी यहाँ भी पतली पतली बन गई है यही पतली बन लिपस्टिक बड़े कितना लग रहा था लिपस्टिक थोड़ा गाल में कम कम लग रहा था वहीं में लग रहा गाल में लाली ना लगा रहा है लिपस्टिक तो ठीक है समदिन नाच ने बड़ जोरदार करनी है जो देखो ये कंगी रुई कंगी कंगी तो है इसमें समदिनी की भी मूंछ बना देंगे ना समदिन छोटी है असली समदिन मतलब ये देखो अगर होने वाली संजू भैया की सासू माँ अगर ये वीडियो देखनी है तो वहाँ देखिए ये कितनी केयर कर रही है हाँ देखिए असली मतलब अच्छे वाले बिच्छू अच्छी वाली कंगी एक रबर बैंड भी रुई भी लाई है हाँ ताकि शाम को पूजा पाठ करते टाइम काम आएगा वो अच्छा पैर बनाने के लिए अच्छा समधी की मूंछ बनाने के लिए हाँ समदिनी की जूंगे बना दो लुक रहे जा रहो समदिनी मोड़ा बावले तो लगा दी ओ मैमी अपन समदिनी मोड़ा सफेद बावल से ही बावल तो लगा दी यहाँ समधी तैयार होने लग गई है समधी की मूछें लग गई है झूतर मोड़ से पहले मम्मी जी कुछ सजेशन दीजिए क्या करना चाहिए इसमें अच्छे बनने कुछ कमी पेशी समधी तो ठीक ही बनेंगे समधन को ठीक समधी तो समधन तो ठीक ही है समधनी के बाल काले कर दो कह रहे इनसे अभी बाल खपे थोड़ी हुई होंगे तो स्मार्ट बनने की जरूरत ही नहीं है समधनी को ये देखिए हमारे स्मार्ट ससुर समधी जी चश्मा तैयार मूछा तैयार समधन की मांग टीका लग रही है बब्बू देख नई नानी बब्बू नई नानी देखो नई नानी बब्बू नहीं बब्बू नहीं नानी बब्बू की नहीं नानी नानी अच्छी है नानी को जाकर दे नानी को जाकर दे नानी को जाकर नानी को जाकर नानी को जाकर प्रणाम कर नानी जय नानी को जाकर
नानी के शर्ट नानी नानी की झुकी मुझे लग रहा। अगर होने वाले आंटी संजीवा की सास से ब्लॉग देख लिए तो अभी इसमें तो आपके बाल सफेद हैं, लेकिन इसमें आपके लिए एक मेहंदी भी भेजी गई है कलर कर, इससे आप अपने बालों को काला कर सकती हैं। हाँ, जब फेरे के लिए आएंगे तब। समझन जी देख लीजिएगा मेहंदी है बल आपकी। अब कंघी एक हो गई है अंकल जी, तो एक ही कंघी से काम चलेगा आप दोनों एक ही शेयर कर लेना शेयर कर लेना वाली शेयर कर लेना सिंदूर शेयर मत करना टिक लगा दे शमदनी के काजल का टिक लगा दे लैक पेंट जैसी चमचमानी तेरी मुखड़ी नजर न लग तो कहनी रे काजल को टिक लगा ले समदनी के काजल को टिकते लगा दोनों समझी समझन के लिए माला का भी इंतजाम हो गया। हार बना माली एक हार बना माली मुझे समदी को भिजवाना है दिखाओ बना माली अब समझ जी सज रहे ना बिल्कुल एकदम माला के साथ ये समझन जी नए बने ये एक चश्मा पहना माली ये समझी को पहनाना है। ए बजिया बजिया हेलो करो आ गया भाई। अरे बजिया तू ले ना सी जा देख रहा तू अब डीजे बंद हो गया तो यहाँ पर ढोलक हारमोनियम में आ गई है। अब ऐसे की मत